अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिज़वी व्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा डे 9 कंप्लीट हो गया। डे 9 की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। माशाल्लाह ग्रोथ बहुत अच्छी, ये चेक करें आप। चूजे ने पर वगैरह निकालना स्टार्ट कर दिए, वाइट कलर की शेप में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह 9 डे कंप्लीट हो गए। जो लोग नए हैं चैनल पे काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोस आपको इंफॉर्मेशन मिल सके, आपको वीडियो मिल सके सारी। वीडियो बनाने का मकसद क्या मेडिकेशंस चल रही हैं, क्या टेम्परेचर ह्यूमिडिटी क्या चल रही है। ये महीना हमारा अगस्त का चल रहा है 2023। इसके अंदर क्या हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे हैं और अच्छी ग्रोथ के लिए क्या कुछ यूज़ कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देंगे आपको। डे 9 पे क्या मेडिसिन चल रही है, क्या टेम्परेचर है, इंशाल्लाह अभी आपको वकार भट्टी साहब के पास लेके चलते हैं तो मज़ीद वो आपको बताएंगे कि क्या मेडिसिन और क्या टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल किस तरह की हुई है, सारी डिटेल आपको डे 9 की अभी बताते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अली साहब? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है जी। सुनाएं जी आज माशाल्लाह डे 9 जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज डे 9 आ गया इसका, और डे 9 में आज अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा आपके सामने है। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, चूज़ा खेल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। अच्छा मतलब इजी माहौल आपके सामने है, देखें कि चूज़ा अच्छी मतलब के उसमें माहौल को महसूस कर रहा है, बेहतर बैठा है, सुकून से बैठा है। जी सर, आज डे 9 का टेम्परेचर है इसका 30-31 टेम्परेचर है, 30 के करीब। और इसकी जो ह्यूमिडिटी नमी है जो, वो सर इसकी तकरीबन इस टाइम है 74-75। मेडिसिन आज क्या यूज हो रही है? आज इसको मेडिसिन यही हमने दी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टी विटामिन वगैरह, पैरासीटामोल के, ताकि फीवर वगैरह कवर होता रहे आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि नेक्स्ट आप देखेंगे अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि चूज़े की इसकी जो एक वैक्सीनेशन है वो हमने अब इसकी करनी है, एक दिन बाद इसकी वो वैक्सीन डी हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये मेडिसिन किस टाइम कौन सी मेडिसिन खिला रहे हैं? ये जी हम सुबह मॉर्निंग से इसे स्टार्ट करते हैं, जो पानी की टंकी देते हैं उसमें एक टंकी हम 1000 लीटर की है, उसको हम 500 लीटर की टंकी फुल करके इसको हम इलेक्ट्रोलाइट और मल्टी विटामिन ऐड कर देते हैं। दोपहर का जो इसे पानी है वो हम इसको पैरासीटामोल वगैरह का ऐड कर देते हैं, ताकि दोपहर के टाइम चूज़े पर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, वेंटिलेशन पैड्स फैन और इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं कि गर्मी से चूज़े को जितना हो सके मैक्सिमम बचाया जा सके और चूज़ा आसानी से इजीली कंफर्टेबल नज़र आए, जैसा कि आज आपको नज़र आ रहा है ये कम्फर्टेबल। लीवर टॉनिक कब से ऐड किया? लीवर टॉनिक सर हमने ऐड किया है कल से, वो लीवर हमने साथ साथ स्पोर्टिव, हालांकि ज़रूरत इतनी को ख़ास नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे चूज़े ने बड़े होते जाना है फीड का स्ट्रेस इस पर पड़ता जाएगा, और साथ में हमने लीवर अभी से स्टार्ट की है ताकि आने वाले मुश्किलात की जो जो मराहिल हैं उनसे बचा जा सके। ठीक हो जाएगी तो चूज़े की आज की कंडीशन होगी जी। जनरल बड़े साहब काफ़ी सवाल आते हैं हमारे पास जी, कि एक तो है आपका कंट्रोल शेड, फुली कंट्रोल शेड जी, सेमी कंट्रोल शेड या छोटे जो शेड होते हैं जी, उनमें ज़्यादा फायदा होता है या फुली कंट्रोल शेड सर होता है? ऐसे है जी, होता ऐसे है कि एक तो होती है ओपन फार्मिंग, ओपन फार्मिंग में ओपन एक शेड होता है, साइडों पर कच्ची दीवारें बनी होती हैं और उसमें जाली लगी होती है, उसमें जो ये मतलब पंखे पैड्स ये चीज़ें नहीं होते हैं, बर्तन ऑटोमेटिकली नहीं होते, मैनुअल बर्तन लगे होते हैं गोल से, उसमें फीड उठा के खुद लड़के डालते हैं, हवा कुदरती होती है, चली ठीक है ना चली तो बस फिर ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं।
तो वो उसमें को उसमें चूज़े की फीड की और मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता, ना FCR आती है ना वज़न आता है, मोर्टेलिटी की रेशो उसमें ज़्यादा होती है, चूज़ा अच्छा नहीं पलता। जो सेमी कंट्रोल शेड है, सेमी कंट्रोल शेड में ये पोजीशन होती है कि उसमें हमारा जो जितना भी एक्सपेंस है वो एक बड़े कंट्रोल शेड जितना ही होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें जो पैड्स लगा के और आगे फैन लगा के जो बर्तन बीच में लाइनें होती हैं वो मैनुअल होती हैं, वो ऑटोमेटिक नहीं होती। और जैसे कि अब ये फुली कंट्रोल शेड है, उसमें फीड ऑटोमेटिक, पानी ऑटोमेटिक, पैड्स, पंखे फुली ऑटोमेटिक टोटली। अच्छा, उसमें एक और भी वजह है कि सेमी में और कंट्रोल में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक्सपेंस उन दोनों का बराबर आता है। यानी वो आपके पर केजी कॉस्ट जो निकले वो सेमी वाला आपको महंगा पड़ेगा। जी, वो सेमी वाला महंगा पड़ेगा। फीड भी उसमें ज़ाया होगी। जी, फीड भी उसमें ज़ाया होगी। और दूसरा उसमें ये है, सबसे बड़ी बात ये, उसमें अगर चूज़ा आप 20,000 डालेंगे, इसमें आप 25,000 डालेंगे, उसमें और इसमें कोई इतना ज़्यादा पर केजी कॉस्ट का फ़र्क नहीं आता। एक्सपेंस, लेबर चार्जेस, हर चीज़ वही काउंट होती है। ठीक है, यानी सबसे बेटर ऑप्शन फुली कंट्रोल। फुली कंट्रोल सर। ठीक है, माशाल्लाह जी। और इसमें मतलब हमने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट्स हमने अपनी तरफ से तैयार की हुई हैं, और हिकमत की वो जड़ी बूटियाँ चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग तैयार कर रहे हैं और अपने चूज़े को आहिस्ता आहिस्ता उस पर भी कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसमें हमें हमें आज 16 साल हो गए हैं जी कंट्रोल शेड का काम करते हैं। अच्छा, तो इसमें तो आपको काफ़ी तजर्बा हो जी। अब जी बिल्कुल, अब हमने इसमें एक फार्मूला तैयार किया जो फीड की FCR फीड को बेहतर करे और इसका वज़न अच्छे से अच्छा गेन करेगा। ये वज़न लास्ट टाइम आपकी FCR कितनी आई थी? लास्ट टाइम हमारी 32 FCR आई थी। हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है और ये खाली बातें नहीं हैं के कह देना कि नहीं ये 32 FCR जिस तरह आजकल के फीड के सोयाबीन प्रॉब्लम मसाइल चल रहे हैं, लेकिन हमने उसका भी हल निकाला हुआ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वेट और अच्छी FCR ले रहे हैं। इसमें अगर किसी भाई को चाहिए हो आपसे के लिए? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल ज़रूर, फ़ी सबीलिल्लाह उसे वो नुस्खा फारवर्ड किया जाएगा, उसे बताया जाएगा, वो वैसे ट्रीट करे, इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। आपका नंबर भी हम नीचे मेंशन कर जी प्लीज, किसी भाई को कोई मसला आ रहा है FCR? हाँ जी बिल्कुल जी ज़रूर। अच्छा नहीं आ रहा जी, तो वो आपकी जो बताए हुए नुस्खे हैं वो फीड के अंदर शामिल करें जी, फीड के साथ को लाइनों में डालें तो इंशाल्लाह। अमूमन आप एक छोटा सा, अली साहब आप ये दिखाएं, ये ना ये बर्तन को क्लोज करके दिखाएं, इसका फीड का जो कलर है वो ब्लैक नहीं है, ये ब्राउनिश। ये जितने भी हमारे सुपरवाइज़र या फार्मर या जो भी हमारे सब भाई हैं वो ज़्यादा बेहतर इसके बारे में जानते हैं कि ये फीड का कलर ब्लैक नहीं है। ब्लैक फीड का कलर का मकसद उन सब भाइयों को पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमने वो फार्मूलेज ऐड किए हैं फीड में कि जिसमें इसकी बर्ड की बढ़ोतरी और इसका वेट, इसकी एक्टिवनेस बर्ड और मतलब खेलना कूदना, पानी, वेट, FCR सब बेहतर कर देता है। इम्यूनिटी के लिए क्या चीज़ साथ चला रहे हैं? इम्यूनिटी के लिए हमारी सर अपनी एक बनाई हुई प्रोडक्ट है, वो हम चला रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जैसे आगे बताएंगे या जो भाई हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह हम उसको भी दिखाएंगे बताएंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, इंशाल्लाह ठीक है जी। आपको किसी किस्म की कोई मालूम, मेडिसिन चाहिए हो, कैल्शियम बाइंडर और या ग्रोथ करने के लिए भी पसंद है, तो अच्छी FCR के लिए और हमसे रास्ता कर सकते हैं। आपको मिलना चाहिए, अब तक के लिए इतना ही ज़्यादा।